मंगल की डाकू चंबल का डाकू हस्बैंड की रेस में आप फंस गए ना देखिए था आगे था। सो हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस हो गए ना हैरान मेरे को यहाँ पे देख के वापस। तो गाइस मैं आ गई घर पे और मैं गई थी माइक के मतलब 2-3 दिन के लिए रहने की। जब वो दिल्ली चले गए थे तो मैं पीछे से वहाँ चली गई थी और मैंने उनको कोई नहीं बताया था क्योंकि वो दिल्ली में सामान वगैरह ले रहे थे और मैं माइक के चली गई थी और हमारी बात वगैरह बिल्कुल कम हो रही थी क्योंकि वो बहुत बिजी थे। तो जब वो घर आए होंगे कल तो उनको पता चला होगा कि मैं पीछे से चली गई हूँ और उनको मम्मा ने बताया था कि मैं चली गई हूँ। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा वो व्लॉग सुबह सुबह। मैंने घर पे बोला नहीं मेरे को आप छोड़ के आओ, मेरे को आप छोड़ के आओ, मेरे को भी जाना है क्योंकि वो आ गए। तो अब मैंने उनको छोड़ मतलब मैं आ गई वापस, पर मैंने उनको नहीं बताया कि मैं आ गई। मैंने उनको ऐसे, उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया था, मैंने उनको बोला था कि मैं नहीं आऊँगी, मतलब जिस दिन शॉप की ओपनिंग है मैं उसके एक दिन पहले आ जाऊँगी, बट मेरे से भी नहीं रहा गया तो मैं भी आ गई। तो फिर अब मैं करूँगी क्या अभी। वो ना मैंने मम्मा को बोला था कि आप उनको पूछो उन्होंने कब आना है, तो अभी उन्होंने ना वो मतलब काम दुकान पे काम चल रहा है जैसे कि आपको पता है, तो वो ना रात को लेट ही आते हैं। तो जैसे ही वो आएंगे ना उनको तो एक आज बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं ना लाइट वगैरह ऑफ़ कर दूँगी, नहीं लाइट वगैरह कैसे ऑफ करूँगी, चलो जो भी होता है जब वो आते हैं तो मैं आपको मिलती हूँ। और आपको पता है मैंने उनके लिए मैगी लाई हुई है, जब वो चलो जब वो आएंगे ना मैं उनको तभी बना के खिलाऊंगी और बस जल्दी जल्दी आ जाएगा। इस आप भी देखोगे क्या होता है, कैसा लगता है उनको सरप्राइज। बाय गाइस। सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मैं बड़े दिन के बाद जम्मू आई, तो इनसे भी मिले हुए बड़ा टाइम हो गया, कोई 5-6 दिन हो गए। अभी तो मैं और भैया जा रहे हैं भूमि के सैलून की ओपनिंग है वहाँ पे। फिर मैं सोच रही हूँ कि इनको ना एक अवार्ड देते हैं। गाइस देख लो उनका ही फोन आ गया, कितनी लंबी उम्र है गाइस उनकी। रुको गाइस, एक अवार्ड लेना है उनके लिए हमने जो मैं उनको दूंगी, क्योंकि मैंने उनको वैलेंटाइन पे कोई गिफ्ट नहीं दिया गाइस। तो सोचा चलो अभी दे देती हूँ बेचारों को, कोई अब शादी होगी उसके बाद कोई गिफ्ट ही दिया उनको। तो चलो अभी पहले हम सैलून जाते हैं, जब वहां से वहां जाएंगे फिर हम आपको मिलते हैं तब। ओके बाय गाइस। ये ले रहे हैं गाइस, ऐसे ये है तो नहीं, हम फिर भी ले रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए। सो गाइज हमें वहाँ से मतलब इनको नहीं पता था ना कि मैं घर आई हूँ, तो ये ना कल घर पे भी नहीं आए। और ये पता क्या कर रहे थे, ये देखो गाइज जो भी कर रहे हैं बेचारे, स्ट्रगल दोनों भाई लगे हैं। ये देखो गाइज, गाइज फोटो देखो हमारी, गाइज ये चिल्लाते बड़ा है, प्लीज़ इग्नोर इट। इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है, जब ये फ्री हो जाएंगे ना फिर हम इनको फिर देंगे हम ये लो हम इनको फिर सरप्राइज देंगे। देखो गाइस हम पेंट भी खुद करते हैं, इनको नींद आ रही है गाइस, हमको भी आ रही है गाइस, आपको तो आ रही होगी। गुड नाइट। ऐसे मजाक नहीं मिलती है यार, दो बस आप मंगल सिंह डाकू चंबल का डाकू। तो मैं थोड़ा थोड़ा गरबा किससे करता हूँ। तो गाइस ये देखो हो गया, अब चमक गया मेरे भाई, इसने अभी 4 करोड़ वाला फेस मास्क लगाया था, आपसे कुछ रुपये नहीं लगा, 4 करोड़ वाला हंसना नहीं यार। नो गाइस वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था सुबह से। अच्छा आपको था, मतलब मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ जो आप नहीं हो, पर मैं फिर भी दे रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग में व्यू चाहिए। को दे रहा कैमरे में क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही हो? हां तो यहां ऊपर छत दस आई है। अच्छा ठीक है, अच्छा दिखाओ। आप एक्साइटेड हो? हां एक्साइटेड हूं। कितने गाइस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मीठा होता है गाइस। चलो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैंने इनको वैलेंटाइन डे पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैंने सोचा चलो गिफ्ट दे देते हैं, हम नीचे क्यों खड़े हुए वैसे करके। दो भाई जल्दी हो, देखो मैं इन हाथों से भी इतना प्यार करती हूँ, ठीक है मैं इनको चूम सकती हूँ पर मैं नहीं चूमूंगी।
देखिए नहीं अच्छा चलो ऐसे दे देती हूँ थैंक यू खुशबू आ रही है तुमसे कैसे आएगी वो आर्टिफिशियल है ये भी आ रही है आ रही है क्या कर रहे हो यार ये इधर लगा दो मेरा फूल ठुकरा दिया इन्होंने भैया मार दो यार ऊपर नहीं है भाई मैं अब छूट पा नहीं अच्छा पकड़ो इसको खोलो अच्छे से खोलो पैकेजिंग इतनी अच्छी है गाइस ऐसी है तो नहीं है ये इतने अच्छे पर फिर भी ऐसे मन किया इनको इनको ये पता है क्योंकि भी मैंने इनको बड़ी पहले बोला था ये चीज हार नहीं देना पर इनको क्या बता अभी याद होगा कि नहीं पहले आइस बंद करो पहले आइस बंद आइस बंद करो आपको मेरी कैसा गाइस अभी भी खुली होगी इतना मतलब भरोसा नहीं मैं देख रही हूँ भाई उसने बोल दिया कोई और दे गया अभी नहीं बोलना गाइस मेरे को मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना मेरे को ये पता चला है कि ये इतने मतलब पढ़ते नहीं थे ना स्कूल में तो इनको अवार्ड वगैरह कम मिलते थे तो फिर मैंने सोचा चलो इनको अवार्ड दे देती हूँ बस क्योंकि इनको पता था मैं इनको बड़ी पहले से बोलती थी संभाल के रखना है जब आपकी लड़ाई होगी ना मेरे से सुनो तो सही सुनो 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 जब आपकी मेरे से लड़ाई होगी ना तो आपने मेरे को मनाना होगा तो आप ये पढ़ ले रहा चिल्ला रहा यही यही चलो बाय गाइस यही था आज का व्लॉग।